हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आज इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हो हरामी, मतलब पूरी बात सुन लो, हरामी मतलब हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो अभी तक जहाँ पे हरामी लोग आपके पैसे लेके भागते थे, तो अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, अगर आपने इन्हें फेवर में यूज किया तो ये आपको पैसे दिलवा सकते हैं, मतलब आपके पैसे बढ़ सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ सकता है। सी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम क्या है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जापानीज नेम होते हैं, तो ये हमारा इंडियन वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली बनते हुए दिखेंगे, जैसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। हमने बुलिश हरामी की बात करी और हम बाद में फिर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी समझेंगे। सो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर उमेश शर्मा। शुरू करते हैं सर। देखिए, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बुलिश हरामी के बारे में। तो सबसे पहले ये जैपनीज नेम है, उसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमन। तो ये बहुत, इसका रिजल्ट जो है वो 70-80% है और ज़्यादातर हमें चार्ट्स पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसके बेसिक्स को समझेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली लेके जाएंगे चार्ट पे। और आज के इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि लाइव मार्केट में जितने भी स्टॉक्स हैं उस सब में हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कहाँ पे लाइव मार्केट में इस तरीके के पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है काफी अच्छे लेवल पे बूस्ट हो सकता है। Right. तो हम जाएंगे स्क्रीन पे और स्क्रीन पे अब हम समझते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। और जैसे कि आपको पता है कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। तो हमने लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड होता क्या, उसकी क्या क्या कन्फर्मेशन होती है। चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद एक बेरिश कैंडल हमें देखने को मिलती है। अब इस बेरिश कैंडल में क्या है, बेरिश कैंडल की ओपनिंग ऊपर, क्लोजिंग नीचे होती है। और एक बेरिश कैंडल में प्रॉपर एक साइज होता है, बॉडी एक प्रॉपर बॉडी होती है इसमें, और ऊपर और नीचे इसमें शेडो आपको देखने को मिल सकती है। अब मान लो कि हम आवर्ली चार्ट देख रहे हैं या हम 5 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं, इस कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो होती है 12:15 पे। तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग कब होगी, 12:15 1 सेकंड पे होगी। तो नेक्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग होगी वो बिल्कुल क्लोजिंग पे होगी, बेरिश कैंडल की क्लोजिंग पे नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग होगी और ये बुलिश कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें एक चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, वो ये होगा, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसमें जो सेकंड बुलिश कैंडल है वो फर्स्ट बेरिश कैंडल को 50% तक कवर करेगी। यहाँ पे मैं बॉडी टू बॉडी की बात कर रहा हूँ, मैं शेडो की बात नहीं कर रहा, शेडो और ऊपर भी हो सकती है वो मैटर नहीं करता, यहाँ पे हम बॉडी की बात कर रहे हैं क्योंकि ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे होगी। अब ये एक बुलिश कैंडल हुई, ये एक बेरिश कैंडल हुई, और इसमें एक चीज का और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस डाउन ट्रेंड में जो फर्स्ट बेरिश कैंडल है उसका जो लो है वो इस डाउन ट्रेंड में अनब्रेकेबल होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि फर्स्ट बेरिश सेकंड बुलिश, इसमें कंफर्मेशन के लिए थर्ड कैंडल भी हमें बुलिश लेनी पड़ती है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है जैसे मैंने आपको बताया, कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। और थर्ड कैंडल का जब हाई कटता है तो यहाँ पे आप अपनी बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं, इसमें फर्स्ट कैंडल का ही स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट कैंडल का स्टॉप लॉस क्यों होगा, क्या रीजन है, क्योंकि इस डाउन ट्रेंड में जो फर्स्ट बेरिश कैंडल है उसका लो जो है वो अनब्रेकेबल है। और 50% का जो रूल है उसको बिल्कुल याद रखिएगा। और एक चीज और है कि यहां पे बुलिश कैंडल की जगह यहां पे बुलिश डोजी भी हो सकती है, बट सेकंड कैंडल शुड बी बुलिश। अब मैं डायरेक्टली जाऊंगा चार्ट पे और आपको लाइव मार्केट पे दिखाऊंगा। इसमें एक चीज बस लोगों को बतानी थी, हम चार्ट पे जाएं, ये जो आपने भी बताया, ये जो कांसेप्ट है ना कि भाई पहली कैंडल जो है ये हमें ये रेड कैंडल होगी। हां जी, रेड होगी। मैं बस लोगों को बता रहा हूं, यहां पे मान लीजिए अब ये रेड कैंडल है। हां, अब पॉइंट क्या था कि भाई जो दूसरी कैंडल है वो यहीं से आपको शुरू होती हुई मिले, जो कि आपके लिए ग्रीन कैंडल है ना। ये तब होगा जब आप मान लीजिए सेम डे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको ऐसी कैंडल्स मिल जाएंगी। बट जब आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे उतने बेटर काम करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आपको हरामी पैटर्न दिखता है, ये बुलिश हरामी पैटर्न दिखता है, चार्ट के बॉटम पे देखेंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ये दोनों मैच हो। इसका मतलब क्या है कि आपको बेसिकली ऐसा भी दिखेगा, मैं एग्जैक्टली रेड और ग्रीन करके दिखा देता हूँ, इसे बड़ा बड़ा कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो पहली कैंडल ये बनी मेरी, ये रेड कैंडल बन गई। अगले दिन आपको गैप अप ओपनिंग भी दिख सकती है, आपको दिखेगा भाई ये क्लोज यहाँ पे हुआ था, ये ओपन यहाँ से हुआ, ये क्लोज यहाँ से हुआ, बट अगले दिन डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो गया। और ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसी कैंडल दिख गई, तो इसे भी हम बोले शरामी ही बोलेंगे। अब है क्या चीज, बेसिकली इसके अंदर एक 50% वाला रूल है जो कि बहुत अच्छा है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस बॉडी के अंदर होना चाहिए दूसरी की बॉडी,
और वो जो कंप्लीट बॉडी है ये अगर 100% बॉडी थी तो ये अगर 50% के आसपास है तो चलेगा, बस इसकी बॉडी से ऊपर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो इसे फिर हरामी बोलेंगे। सो ये बुलिश हरामी पैटर्न कैसे होगा, इसके क्या रूल्स है कि अगर आप डेली या वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो या बड़े टाइम फ्रेम पर मंथली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो तो एक कैंडल बिल्कुल चार्ट के बॉटम पे आके यहाँ पे बनी जो कि एक रेड कैंडल थी, बट रेड के बाद जो ग्रीन बनी ये इसका बेबी है, ये मदर है, ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है, तो बेबी मदर से बड़ा नहीं होगा, ये एक रूल है। बट हम एंट्री हाई के बाद ही लेंगे, कंफर्मेशन के बाद। मैंने बेसिकली इसलिए बताया क्योंकि जब लोग इसे ना नेट पे सर्च करेंगे तो वो कभी भी जो होता है ना क्लोजिंग से ओपनिंग सेम नहीं दिखाएगा, किसी भी इमेज में जो लोग किताबों में पढ़ते हैं उसमें सेम नहीं आएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपने इंट्राडे के लिए लोगों को बता दिया कि भाई सेम ही होगा ना, बट जब वो डेली टाइम फ्रेम पर या मंथली वीकली पे होगा उसमें गैप अप हो सकता है, गैप अप हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था उस लोगों को, रीजन क्या होता है कि ना जैसे लोग बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स में इस तरीके का बुलिश हरामी, हां वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो पिक्चर, वो कहते हैं कि इसमें लाइव मार्केट तो बन ही नहीं रहा, लाइव मार्केट में बनेगा क्योंकि उसमें सीधा क्या कि वो तो ओपन जो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग है वो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग पे होगा, तो इंट्राडे के लिए वो काम करेगा और डेली के लिए इस तरीके से काम कर सकता है, या फिर डेली सेम भी हो सकता है, आपका वाला भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ज्यादातर ये भी देखने को मिल जाते हैं। तो चार्ट पे हम देख रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट हमने लिया आईसीआईसी बैंक का, और यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिला, एक सेल ऑफ देखने को मिला, मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, और डाउन ट्रेंड में हमने बॉटम पे सर्च किया 5 मिनट्स के चार्ट में एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिला है। फर्स्ट कैंडल बेरिश है, सेकंड कैंडल बुलिश है। अब आप में से काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कि भाई सेकंड कैंडल हैमर भी तो हो सकती है, बट जैसे कि हमने आपको बताया था ये हैमर कैंडल नहीं है, क्योंकि हैमर कैंडल जो होती है उसका लो अनब्रेकेबल होता है उस डाउन ट्रेंड में, और दूसरा जो बताया था वो 30-70-20-80% का जो हमने रेशियो आपको बताया था वो भी क्राइटेरिया इसमें मैच नहीं हो रहा ना। इस फर्स्ट कैंडल लो अनब्रेकेबल है इस डाउन ट्रेंड में, सेकंड कैंडल एक छोटी सी स्पिनिंग बॉटम कैंडल है, एक छोटी बुलिश कैंडल है, साथ साथ थर्ड कैंडल एक बुलिश है। बुलिश का जैसे ही यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे अपनी बाय पोजीशन बना सकते थे, और स्टॉप लॉस जो होता है इसमें उस केस में बेरिश कैंडल के लो का होता है। जब बेरिश कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो यहाँ पे आपको एक बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिली होगी। अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो 921 पे भी अगर आप लेते तो इसमें हाई जो बना था वो 926 के आसपास हाई देखने को मिला है, और स्टॉप लॉस क्या था इसमें, एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, एक छोटे से स्टॉप लॉस से आपको जो रिटर्न है इंट्राडे में या फिर आप छोटी सी पोजीशन होल्ड भी करके चलते हैं उसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो मैंने आईसीआईसी बैंक का चार्ट लिया, अब हम दूसरे स्टॉक्स लेते हैं और दूसरे स्टॉक्स में देखते हैं कि लाइव मार्केट में हाल फिलहाल में कहाँ कहाँ बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिले और इसका इंपैक्ट क्या रहा। यहाँ पे हमने बायोकॉन का चार्ट लिया है और बायोकॉन का 5 मिनट का चार्ट लिया है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है और डाउन ट्रेंड में एक बेरिश कैंडल देखने को मिली है। लास्ट टाइम जो हमने बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिला था उसमें बेरिश कैंडल के ऊपर एक शैडो थी, बट यहाँ पे कोई भी शेडो हमें देखने को नहीं मिली है, एक प्रॉपर एक बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली, और बुलिश कैंडल जैसे कि हमने आपको बताया था कि बुलिश कैंडल का जो बॉडी होगी वो बेरिश कैंडल को 50% से ज़्यादा कवर नहीं करेगी, और ये जो शेडो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है बेरिश कैंडल से, और थर्ड कैंडल हमें देखनी है वो एक बुलिश कैंडल, और बुलिश कैंडल का जैसे ही यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमने क्या करी, एक बाय पोजीशन बनाई। अब इसमें से काफी लोगों को लग रहा होगा कि ये जो कैंडल है सेकंड कैंडल वो मॉर्निंग स्टार कैंडल भी हो सकती है, डोजी कैंडल है, बिल्कुल है, बट मॉर्निंग स्टार कैंडल क्या होती है कि मॉर्निंग स्टार का जो लो है वो उस डाउन ट्रेंड में अनब्रेकेबल होता है, बट जब हम बुलिश हरामी की बात करते हैं तो बुलिश हरामी में फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो अनब्रेकेबल है, सेकंड कैंडल क्या है, बुलिश है, डोजी कैंडल है, और इसको स्पिनिंग बॉटम भी बोल सकते हैं, इसमें थोड़ी सी बॉडी है। थर्ड कैंडल क्या है, बुलिश है, और बुलिश का जैसे ही हाई यहाँ पे ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं फर्स्ट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के। और आपने देखा कि ये जो ट्रेंड था, ये जो नेगेटिव ट्रेंड था, ये पूरा नेगेटिव ट्रेंड अप ट्रेंड में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया, और 244.75 का हाई देखने को मिला, और जो बाइंग बनी थी वो 241 के आसपास देखने को मिली थी। और यहाँ पे मैं 5 मिनट का चार्ट आपको लगा रहा हूँ, 5 मिनट के चार्ट में भी अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग के थ्रू भी आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप अपने चार्ट पे यूज़ करिए, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में लगा के देखिए। आप जरूरी नहीं है कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, स्टॉक्स में भी काम करेगा, आपको स्टॉक्स लगाने हैं उसको आपको मैनुअली स्टॉक लगाने की कोशिश करनी है, और इसमें जब भी बॉटम पे आपको इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल आने वाला है।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे पियर्सिंग कैंडल और बुलिश एंगलफिंग पैटर्न के बारे में। दोनों कैंडल काफी हद तक सिमिलर हैं, इसमें बस थोड़ा सा क्राइटेरिया इसका चेंज होगा, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो हम स्टार्ट करेंगे पियर्सिंग कैंडल के साथ। पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है हम यहाँ पे समझेंगे। एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाली कैंडल है। अब डाउन ट्रेंड क्या है वो हमने लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया था कि डाउन ट्रेंड क्या होता है, किस तरीके से बनता है। यहाँ पे कुछ बायर्स होते हैं, रिटेल क्लाइंट होते हैं, वो यहाँ पे बाय करते हैं, एवरेजिंग करते हैं। सेलर जो होता है यहाँ पे सेल करता है, सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से गिरावट देखने को मिलती है। और इस गिरावट में आपको पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो उसमें कौन सी कैंडल्स आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, उसमें आपको बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी। अब मान के चलो एक बेरिश कैंडल देखने को मिली, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे ओपन हुई, बेरिश कैंडल के साथ। अगर हम इंट्राडे मार्केट देख रहे हैं तो इंट्राडे में क्या हुआ, क्या देखने को मिला हमें कि बेरिश कैंडल के साथ एक बुलिश यहां पे कैंडल की ओपनिंग हुई। ओपनिंग के बाद मार्केट एकदम से नीचे की तरफ जाता है, एक लो बनाता है और उस लो ने क्या करा कि प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया। अब मार्केट लगातार लो पे लो बनाता जा रहा है, तो जो बायर है यहाँ पे अपनी पोजीशन में फंसा हुआ है वो कहीं ना कहीं तो अपनी पोजीशन से एग्जिट करेगा, और जब वो पोजीशन से एग्जिट करता है तो क्या करता है, वो बाय से यहाँ पे सेल करता है। अब जब यहां पे वो सेल करेगा तो किससे करेगा, सेल किसको करेगा, बायर को करेगा। तो यहां पे कोई ना कोई तो होगा जो सेल पोजीशन को बुक करेगा, वो एक बायर होगा। वो बायर अपनी पुरानी पोजीशन को यहां पे बुक करेगा, नई पोजीशन यहां पे बनाएगा और एक डिमांड क्रिएट होती है। जब भी डिमांड क्रिएट होगी तो यहां से मार्केट ने जो लो बनाया था, लो बनाने के बाद यहां पे ओपनिंग होती है, ओपनिंग के बाद यहां पे कहीं क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। अब क्लोजिंग देखने को मिली यहाँ पे, तो उसने क्या करा, बुलिश कैंडल ने बेरिश कैंडल को कुछ 50-60-70% तक यहाँ पे 50-70% तक यहाँ पे कवर करता है। देख कैंडल के साइज पे मत जाइएगा, कैंडल बड़ी छोटी हो सकती है, क्राइटेरिया आपको मैच करना पड़ेगा। यहाँ पे क्राइटेरिया जो रहेगा वो 50% से 70% तक हो सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको अभी चार्ट पे दिखाने वाला हूँ। इसके बाद थर्ड कैंडल क्या होगी, वो कंफर्मेशन कैंडल बुलिश होनी चाहिए। बुलिश कैंडल के बाद जब नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगा तो वहां पे आप अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं। अब इस कंडीशन में स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस होगा वो सेकंड कैंडल के लो का होगा। सेकंड कैंडल का लो का क्यों होगा, क्या रीजन है उसका, क्योंकि सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक किया है। सेकंड कैंडल का जो लो है इस डाउन ट्रेंड में अनब्रेकेबल है, इस वजह से आप क्या करेंगे, सेकंड कैंडल के लो के स्टॉप लॉस पे आप उसके स्टॉप लॉस से आप अपनी बाइंग पोजीशन बना के चलेंगे। जब आप बाइंग पोजीशन यहां पे बनाते हैं, स्टॉप लॉस सेकंड कैंडल के लो का रखते हैं, तो उस केस में अभी फिलहाल तो मैं बोलना चाहूंगा आपको 1:1, 1:2 का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। बट आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रॉफिट को राइड भी कर सकते हैं। अब यहां पे आपने स्टॉप लॉस यहां पे लगा लिया। अब दूसरी केस में क्या हुआ, ये तो एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ। अगर हम बुलिश एंगलफिंग पैटर्न के बारे में बात करें, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। उसमें क्या रहेगा, इसमें आपको फर्स्ट कैंडल जो होगी एक बेरिश कैंडल आपको देखने को मिलती है। बेरिश कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल होगी, बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल को 100% और मोर देन 100% तक कवर करेगी। अब इसमें भी एक चीज चेक करनी है कि हम अभी आपको समझा रहे हैं कि बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है, सेकंड कैंडल एक बुलिश है, बट हम यहां पे साइज भी देखेंगे। हो सकता है कि फर्स्ट बेरिश कैंडल कुछ इस तरीके की भी हो सकती है और सेकंड बुलिश कैंडल जो होगी वो कुछ इस तरीके की भी हो सकती है। ये भी एक बुलिश एंगलफिंग पैटर्न है, क्योंकि बुलिश कैंडल ने बेरिश कैंडल को पूरा अपने में समा लिया है, यानी कि सेकंड कैंडल का साइज फर्स्ट बुलिश कैंडल से बड़ा है। और बॉडी टू बॉडी की अगर बात करें तो सेकंड कैंडल की बॉडी फर्स्ट बेरिश कैंडल की बॉडी से बड़ी है। इस तरीके की कैंडल भी देखने को मिल सकती है, और कई बार आपको कुछ इस तरीके की कैंडल भी देखने को मिलेगी। फर्स्ट कैंडल क्या है, डूजी है, और सेकंड कैंडल आपको कुछ इस तरीके की भी देखने को मिल सकती है। बट आपको क्या चेक करना है कि सेकंड कैंडल बुलिश होनी चाहिए और वो फर्स्ट कैंडल की बॉडी को कवर करेगी। ये जो अगर हम इसकी बात करें, इस तरीके की भी कैंडल हमें ज्यादातर मार्केट में देखने को मिली, हमने ज्यादा बैक टेस्टिंग करी है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, ये भी हम आपको चार्ट पे शो करके बताएंगे। तो इसकी तरीके कैंडल बनेगी बुलिश एंगलफिंग में, ये भी बन सकती है और इस तरीके की बन सकती है। बाकी जो लॉजिक है वो बिल्कुल इक्वल रहेंगे। पियर्सिंग में क्या होगा, 50-70% तक कवर करेगा, और बुलिश एंगलफिंग में 100% तक कवर करेगा। आई थिंक यहाँ पे लोगों को 100% समझ आ ही गया होगा। बस इसे बस एक बार रिवाइज ही करा रहे हैं, क्योंकि देखो कंसेप्ट क्या था कि हम पहली बात तो चार्ट के बॉटम पर आ गए हैं। अब बॉटम पे आकर अभी क्या, जब भी आप लाइव मार्केट देख रहे होगे तो पता नहीं होता कि बॉटम है या नहीं है। हम ये अज्यूम करते हैं यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, तो हमें कंफर्मेशन के लिए कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए होता है। तो यहाँ पर उमेश जी ने बिल्कुल क्लियरली बताया कि अगर आपको यहाँ पर
एक रेड कैंडल दिखती है। तो अब नेक्स्ट कैंडल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दो चीजें हो सकती हैं, पहली बात तो ये पूरा का पूरा इसे एंगल्फ कर जाए। एंगल्फ करने का मतलब क्या होता है, खा जाना एक तरीके से। तो पूरा का पूरा खा गया, अगर वो पूरा का पूरा खा गया मतलब यहाँ पे बायर्स तेजी में आ गए हैं, और बायर्स अगर तेजी में आ गए हैं तो ये एक अपट्रेंड हो सकता है। ये तो एंगल्फिंग पैटर्न हुआ, बट कभी कभी क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि पूरी तरीके से ही बायर हावी हो जाए सेलर पे। तो इसीलिए पियर्सिंग का मतलब क्या होता है, पियर्स किया है बट 50% 60% 70% बायर ने ट्राई किया है कि वो कैंडल को कवर कर ले। तो अगर ये बॉडी जो थी इसकी बॉडी का 50% से ऊपर कवर होता है तो ये पियर्सिंग पैटर्न कहलाएगा। बट कभी कभी क्या होता है, आपको सिर्फ एंगल्फिंग याद होता है, लोगों को पियर्सिंग याद ही नहीं होता, तो कहते हैं यार ये तो नहीं बन रहा, ये तो एंगल्फ हो सकता था बट हुआ नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल नहीं आ सकता, रिवर्सल आ सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पर दोनों ही पैटर्न यहाँ पे उमेश जी ने बताए हैं कि एंगल्फिंग भी बन सकता है, पियर्सिंग भी बन सकता है। आपको चेक करना है दोनों में से कुछ भी बने कन्फर्मेशन है ही। अगर उसके बाद आपको एक ऊपर दोबारा से ग्रीन कैंडल दिखती है, कंफर्मेशन आ गई, यू कैन टेक दैट ट्रेड। और स्टॉप लॉस क्या होगा, हमेशा लोग आपका स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, चार्ट पे चलते हैं। तो आ चुके हम निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे, और यहाँ से हम देखेंगे कि एक डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद हमने देखा एक बेरिश कैंडल देखने को मिली, और बेरिश के बाद एक बुलिश कैंडल देखने को मिली। अब आपको एक चीज देखनी है कि यहाँ पे इस जगह पे जो बुलिश कैंडल है उसका जो लो है वो बेरिश कैंडल से लोअर है। दूसरी चीज आपको देखनी है कि बुलिश कैंडल ने बेरिश कैंडल को 50-70% तक कवर किया हुआ है, यहाँ पे 70% तक कवर किया हुआ है। और देखो इसमें कोई शैडो भी नहीं है, शैडो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, हमें यहाँ पे बॉडी टू बॉडी देखना है। और इसमें देखेंगे थर्ड कैंडल क्या है, बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल एक कंफर्मेशन कैंडल होती है, और जब भी बुलिश कैंडल के ऊपर मार्केट जाता है तो हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय पोजिशन बना के चल सकते हैं, और सेकेंड कैंडल के लो का हम क्या लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें फर्स्ट कैंडल क्या होगी, बेरिश कैंडल होगी, सेकेंड कैंडल क्या होगी, बुलिश कैंडल होगी, और बुलिश कैंडल जब बेरिश कैंडल को 50-70% तक कवर करती है, थर्ड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल होगी, उसके ऊपर जब मार्केट जाता है तो आप अपनी पोजीशन बाय बना के चल सकते हैं। और एक चीज और देखने को मिलेगी आपको कि जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया यहां पे, आपको ये देखना है कि जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट हुआ तो 18,800 पे यहां पे हम बाय पोजीशन बना के चल रहे हैं, और स्टॉप लॉस जो बनता है इसका वो बनेगा 18,780 के आसपास, और हाई कितना बनाया 18,860 के आसपास। तो 1:3 का आपको प्रॉफिट मिला है, इंट्राडे में मिला है। और अगर आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट भी यूज कर रहे हैं, टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आप बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं तो उसमें क्या है, थोड़े से स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं तो टारगेट भी उस हिसाब से मिलते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करूं, और 5 मिनट 10 मिनट के चार्ट पे आप बहुत अच्छी एक्यूरेसी इस पैटर्न के थ्रू ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, आप में से कई सारे लोग ये समझेंगे कि भाई मैं तो यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न को बाद में समझूंगा, मुझे तो सिंपली हैमर समझ आ रहा है। तो इस पे आप ये हैमर के बाद भी हैमर के कन्फर्मेशन पर भी ट्रेड कर सकते हो। बट एक चीज़ और आपके दिमाग में आ गई यहाँ पर कि भाई हैमर तो था ही, बट हैमर के साथ साथ ये दो कैंडलस्टिक्स आपको एक बेटर कंफर्मेशन भी दे रहे हैं कि ये हैमर की एक्यूरेसी और बढ़ सकती है, क्योंकि ये एक पियर्सिंग पैटर्न भी है। राइट, तो यहाँ पे पियर्सिंग पैटर्न भी देखने को मिला और हैमर भी आपको देखने को मिला। अगर आप डबल कैंडलस्टिक की बात करेंगे तो पियर्सिंग हो गया, और सिंगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है। पर रिजल्ट आप देखेंगे तो रिजल्ट बहुत ज्यादा अल्टीमेट है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा था कि अदानी पोर्ट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और अदानी पोर्ट का जो लो देखने को मिला था वो 400 के आसपास लो मिला था, और उसके बाद लोग कह रहे थे कि अब तो भाई अदानी का बंटाधार होने वाला है, अब अदानी और भी ज्यादा गिर सकता है, अदानी को अपने पोर्टफोलियो में मत लीजिए। बट यहाँ पे कैंडलस्टिक ने हमें बता दिया था कि अदानी को आप बॉटम से भी बाय कर सकते थे, हालांकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन पहले देखने को मिली थी। बट यहाँ पे मैं बात करूंगा डेली चार्ट पे, काफी लोग थे जो अदानी को लेना चाहते थे, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते थे, क्या वो भी कैंडलस्टिक देख के अपनी बाइंग कर सकते हैं, उसका मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूंगा। आप देख रहे हैं डाउन ट्रेंड में अदानी पोर्ट में पैटर्न देखने को मिला था, जो कि मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले, वो था पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न देखने को मिला था, फर्स्ट बेरिश थी, सेकंड बुलिश कैंडल थी, और इसमें थर्ड कैंडल भी बुलिश देखने को मिली। बाइंग आपकी थोड़ी सी लेट इनिशिएट हुई थी, अगर मैं बात करूं तो बाइंग बनी थी आपकी 575 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे मत भूलिएगा कि हम डेली चार्ट देख रहे हैं, डेली में कंफर्मेशन जो होती है वो लेट देखने को मिलती है, बट उसका इम्पैक्ट वैसा ही पावरफुल होता है। यहां से जैसे ही हमने बाय पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस जो बनता है वो इस कैंडल का बनेगा, क्योंकि देखो डेली चार्ट है, डेली चार्ट में थोड़े स्टॉप लॉस बड़े होते हैं। बट यहां से 575 से अगर मैं बात करूंगा तो हाई कितना बनाता, यहां पे हाई बनाता
775 के ऊपर मार्केट गया था। 775 की अगर बात करूंगा, 780 तक, 785 के आसपास मार्केट में हाई बनाया था। तो अगर आप देखेंगे तो रिटर्न कितना अच्छा मिला था। बट हाँ, मैं वही बोलना चाहूंगा कि इसमें मार्केट ने थोड़ा सा टाइम लिया था। पहला जो मूव आया था वहां से मार्केट गया था कुछ 750 के आसपास, फिर उसमें गिरावट देखने को मिली, फिर उसके बाद मार्केट जो था 780 के आसपास गया था। तो अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट में एक पियर्सिंग पैटर्न की वजह से अदानी पोर्ट में एक बड़ी तेजी देखने को मिली, जहां पे काफी लोग कह रहे थे अदानी अच्छा नहीं है, अदानी में कोई तेजी नहीं आएगी, और एक कैंडलस्टिक ने हमें बता दिया था कि मार्केट में कितनी अच्छी तेजी आ सकती है। इसलिए मैं कहता हूं बम फटने से पहले चार्ट में फटता है। अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग अच्छी तरीके से पता है, आप प्राइस एक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, कैंडलस्टिक को समझ के अगर आप ट्रेड कर पाते हैं, तो कैंडलस्टिक के एनालिसिस से भी आप अच्छी अच्छी प्रेडिक्शन मार्केट से ले सकते हैं। तो अभी जो हम ये कर रहे हैं ना, इसे एक तरीके से हम बैक टेस्टिंग ही बोलते हैं। कुछ थोड़ी सी और बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, जिससे अभी तक हमने जो चीजें समझी हैं, हम वो सारे कैंडलस्टिक्स को देखते हैं कि किस तरीके से वो चार्ट पे काम करते हैं। और अभी आप ध्यान दीजिएगा कि हम सिर्फ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहां पर मुझे एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, हो सकता है अभी आपको नहीं दिख रहा हो क्योंकि अभी वो सिखाना बाकी है। तो आने वाली वीडियोस में आपको बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी पता लगेगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आप मार्केट से दोनों तरीके से पैसा बना सकते हो, मार्केट ऊपर जाए तब भी आप पैसा बना सकते हो, मार्केट गिरे तब भी आप पैसा बना सकते हो। बट आपको उसके लिए जो चीज़ें सीखनी है वो आपको सीखने को मिल रही है। तो अभी हमने जैसे ये प्रैक्टिस किया, हम और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको और भी क्लैरिटी आ जाए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, निफ्टी का चार्ट लेते हैं और निफ्टी के चार्ट पे हर टाइम फ्रेम पे हम बैक टेस्टिंग करते हैं। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने हैमर को पढ़ा, हमने इन्वर्टेड हैमर पढ़ा, हमने मॉर्निंग स्टार पढ़ा, हमने बुलिश एरामी कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ा, पियर्सिंग कैंडलस्टिक के बारे में पता, बुलिश एंगल्फिंग के बारे में पढ़ा। अभी पढ़ तो लिया हमने, वो तो ठीक है, बट हमें बॉटम पे किस तरीके से हम मार्केट में बाइंग कर सकते हैं, बॉटम में किस तरीके से हमें पता चल जाए बाजार में तेजी आने वाली है, तो अब हम इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं और इसका रिजल्ट अब आपको दिखाना चाहेंगे। दोस्तों अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बैक टेस्टिंग करते हैं और बैक टेस्टिंग में समझेंगे कहां पे हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। तो निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में हमें यहां पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला। अब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने के बाद उसके बाद थर्ड कैंडल हमने देखी बुलिश है। अब देखो बुलिश का साइज मैटर नहीं करता, सिर्फ एक बुलिश कैंडल देख रही है, उसमें थोड़ी बॉडी हो भी सकती है, बॉडी नहीं भी है, बट थर्ड कैंडल शुड बी बुलिश। और बुलिश का जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो आप बाय कर सकते हैं। अब एक चीज और देखने को मिलेगी आपको कि इसमें फोर्थ कैंडल ने थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, इसने फिफ्थ कैंडल ने थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो भी आप बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें सेकंड कैंडल का जो लो होगा वो इस डाउन ट्रेंड में अनब्रेकेबल होना चाहिए। जब आप यहाँ पे बाय पोजीशन बनाते हैं, सेकंड कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लेते हैं, उसके बाद आपको एक तेजी देखने को मिलती है और उसके बाद एक बड़ा आपको गैप अप भी देखने को मिल सकता है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, चार्ट को थोड़ा सा आगे करूंगा क्योंकि अभी मैं आपको बैक टेस्टिंग करा रहा हूं। तो बैक टेस्टिंग में एक और चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग की वजह से बाजार में एक तेजी देखने को मिली, बट दूसरी तरफ हम अगर हम यहाँ पे देखें इस जगह पे, तो हमें एक और कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला जिसको बोलते हैं बेरिश एरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बेरिश एरामी कैंडलस्टिक में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बुलिश कैंडल बनेगी, बुलिश के बाद एक बेरिश कैंडल बनेगी, बेरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल को 50% तक कवर करा है, 50% से कम भी कवर कर सकती है, 50% तक कवर कर सकती है। थर्ड कैंडल क्या है, इसमें बेरिश है, और बेरिश का जब लो ब्रेक होगा तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन क्या करेंगे, सेल बना के चलेंगे। फर्स्ट कैंडल के हाई का क्या रख सकते हैं आप, स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसके बाद एक अप ट्रेंड को इसने क्या करा, डाउन ट्रेंड ने कन्वर्ट कर दिया। तो ये कन्वर्ट करने की क्षमता किसमें है, कैंडलस्टिक पैटर्न में। और अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छी तरीके से समझ में आते हैं तो आप इसी तरीके के प्रॉफिट मार्केट से ले सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक डाउन देखने को मिला, एक मार्केट में फॉल आया, फॉल के बाद फिर से तेजी आई। अब मैं आपसे पूछूं भाई तेजी का कारण क्या था, तो देखेंगे यहाँ पे बॉटम पे पैटर्न देखने को मिला है जिसको बोलते हैं हैमर। हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। और हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या थी, बुलिश। और बुलिश का जैसे ही हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय पोजीशन बना सकते हैं। हैमर के लो का आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, और इसमें एक बड़ी तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिली। तो मैंने आपको एक चार्ट में बैक टेस्टिंग कराई है, सबसे पहले दिखाया बुलिश एंगल्फिंग ने पूरे डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करा, हाई पे आपको एक बेरिश एरामी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, बेरिश एरामी के बाद वहां से एक सेल ऑफ देखने को मिला, उसके बाद बॉटम पे आपको एक हैमर देखने को मिला, और उस हैमर के बाद एक बड़ी तेजी देखने को मिली। तो आप एक ही चार्ट पे, यानी कि जो बाजार में एक जिगजैग मार्केट चल रहा है कि हम टॉप पे सेल करते हैं, बॉटम पे बाय कर सकते हैं, कैंडलस्टिक की हेल्प से आप मार्केट की हर मूव को जज कर सकते हैं, उसके ऊपर ट्रेड बना सकते हैं। सो आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बट एक चीज एक्स्ट्रा हुई इस वीडियो में कि हमने आपको एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी बताया। आप कौन सा बताया आप कमेंट करके बताएंगे। फाइनली
आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे ऐसे पैटर्न्स के बारे में जो कि होते हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो उन्हें हम डिटेल में समझेंगे, उनकी भी बैक टेस्टिंग करेंगे। सो आप उन वीडियोस को मिस नहीं कर सकते, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अभी जो आप सीख रहे हैं इसकी खुद से भी आप बैक टेस्टिंग कीजिएगा। फाइनली अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे अपकमिंग वीडियोज में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उमेश जी का चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है फ्री में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। We'll see you in the next video. Till then, I'm you share this video and go self-made.